मार्कशीट तो मैं बनाना चाहा लेकिन बना नहीं पाया, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, जैसे प्लस माइनस किया जाता है ना, ठीक उसी तरह से प्लस माइनस वगैरह करके जितना जो जो कॉलम आपको चाहिए बना लीजिएगा आप, ठीक है। जो नहीं बनेगा अगर मार्कशीट तो पूछिएगा मेरे से, ठीक है। आएगा ग्रेड बताने के लिए, ठीक है। तो ग्रेड आप कैसे बताएंगे, सब कुछ आप कर लेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यही बताने में आपको दिक्कत जाएगा जैसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना कि मान लो 50 नंबर मैंने यहां पे दे दिया 50%, ठीक है। ये सब हेडिंग को मैं खत्म कर दे रहा हूं, जहां पे ग्रेड बताना होगा वहां पे आप ये आइएगा, बोलिएगा इफ, ठीक है, इफ, ठीक है। और यहां पे लॉजिकल टेस्ट होगा, लॉजिकल टेस्ट में क्या लिखिएगा आप, अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ठीक है, इससे अगर बड़ा है या बराबर है तो क्या दे दो, बी ग्रेट, ठीक है। अगर इस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 50% ही मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर इसके बड़ा है या बराबर है तो क्या कह दो, बी ग्रेट, ठीक है। इफ अगर ये हो अगर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, बी ग्रेट, ठीक है। अन्यथा क्या करो, फिर से कंडीशन चेक कर लो, ठीक, और फिर इसी को चेक करो कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 के, ठीक है, 40% के। अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तो इसको क्या कर दो, सी ग्रेट दे दो। ऐसे आप यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ, तो दो ब्रैकेट में ओपन करके एंटर मार दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, एंटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ अगर ये है 50 ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 50 के, तो क्या करो, बी ग्रेड दे दो, अन्यथा ये दे दो, ठीक है। क्या हो गया, जनरल फॉर्मेट कर दूं क्या मैं इसको, चलिए जी, यहां पे उत्तर आ रहा है। मतलब ये है कि ये मेरा कंडीशन जो है वो गलत हो रहा है। अब तो आएगा ना, ये लीजिए, अब इसमें परसेंट देखिए, नंबर में ही जो है ये कंपैरिजन होता है, ठीक है, बड़ा है छोटा है। अब ये देखिए बी ग्रेट आ रहा है, 50 में कर दूंगा तो भी बी ग्रेट आएगा, लेकिन 49 कर दूंगा तो इतना आ गया। अच्छा ये तो 30 कर देता हूँ मैं, लेकिन ये फिर भी यही आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, ये तो आना नहीं चाहिए ना। ई अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तो बी ग्रेट आए, अन्यथा ये वाला चल जाए। अब ये वाला कहे नहीं चल रहा है भाई, इसको क्या तकलीफ है, इस सज्जन को ये तो समझ में नहीं आ रहा है यार मेरे को, इसको क्या तकलीफ हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए जी, क्यों इसको क्या तकलीफ है, ये तो मेरे को नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है तो बताइए। ले लीजिए जी, आ गया। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, या फिर आप लोग बोलना ही नहीं चाहते क्यों? ठीक है, तो आप करोगे इसी तरह से, ठीक है। अगर ये हो तो ये दे दो, अन्यथा ये दे दो, ठीक है।
तो आप कर लोगे इस तरह से। फॉल्स इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैं कंडीशन आखिरी में खत्म कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये सी है ना, सी के बाद वाला को मैं फेल कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अन्यथा मैं इसको क्या कर देता हूँ, इक्वल टू दे करके या फेल, फेल का स्पेलिंग नहीं यार बेइज्जती हो जाएगा मेरा, फेल ये स्पेलिंग सही है, अब देखा जाएगा जो होगा सो, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं 40 कर दिया तो सी ग्रेट आ गया ना, फिर यहाँ पे क्या मैं कर दूंगा 50 कर दूंगा तो बी ग्रेट आ गया, ठीक है। तो ये ग्रेट मैं इस तरह से ना निकाल लूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ तीन कंडीशन दिया हूं, मैं जैसे लिखा हूं ना इसी सीक्वेंस में आप जो है और ज्यादा लिखिएगा, जैसे 80 के ऊपर है तो ए प्लस है, अगर 100 से लेकर 60 तक है तो ए ग्रेट है, 60 से अगर 50 तक है तो बी ग्रेट है, ठीक है। इस तरह से आप लिखते जाइएगा तो हो जाएगा, आखिरी में एल्स कंडीशन में दे दीजिएगा फेल, ठीक है। तो ये तो आसान काम है ना, मैं 10 दे दूंगा तो फेल हो जाएगा, अगर मैं यही 40 दे दूंगा तो सी ग्रेट आएगा, 50 दे दूंगा तो बी ग्रेट आएगा, 100 दे दूंगा तो वो बी ग्रेट रहेगा, क्योंकि मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो मार्कशीट आप बना लोगे ना, ग्रेडिंग सिस्टम यही आपको जो है थोड़ा मुश्किल होता बनाना, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये पूरा नाम रोल नंबर जितना जितना जरूरत होता है वो सब लगोगे, पास फेल पूरा सब्जेक्ट का नंबर दे दोगे, ठीक है, ठीक। तो इसमें पूरा जो है पूरे स्टूडेंट का क्या बोलते हैं, पूरे स्टूडेंट का जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा फिर, ठीक है। फिर क्या करना कि एक ठो सीट आप और लोगे, ठीक है, एक ठो सीट आप और लेना, और उसमें क्या करोगे आप लोग, जैसे मैंने एक सीट ये ले लिया, ठीक है। तो इस सीट में आप क्या करोगे कि आप जो मार्कशीट बना रहे थे ना, ब्लैंक मार्कशीट आप बना रहे थे ना, तो ब्लैंक मार्कशीट बनाना, और फिर क्या करोगे आप कि उसमें डालना रोल नंबर, ब्लैंक मार्कशीट के फॉर्म में रोल नंबर डालोगे, और बाकी जिस स्टूडेंट का वो रोल नंबर होगा ये इस मार्कशीट वाले डेटा में, पूरा डेटा रहेगा मार्कशीट वाले सीट में यहाँ पे, है ना, यहाँ से वी लुकअप के जरिए आप सारा डेटा जो है उठा लोगे और मार्कशीट दिखा दोगे वी लुकअप के जरिए, बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हो जाएगा ना, नहीं होगा, ग्रेडिंग सिस्टम आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक। बहुत अच्छा ये होगा ना कि यहाँ पे लिख दोगे ऐसा आप लोग कि अगर 50 है तो क्या करो, बी ग्रेड दे दो, फिर नीचे कर दो, अगर ये 40 है तो सी ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैंने 50 लिखा है ना यहाँ पे, ठीक, मैंने जो 50 लिखा है वो आप यहां से उठा लोगे, ठीक है, ये देख लीजिए, और यहां पे जो मैंने 40 लिखा है वो आप यहां से उठा लोगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ग्रेड बदलना हो गया, ठीक है, कि अब 80 नहीं, पहले 80 लाओगे तो ये ग्रेड था, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया कि नहीं जी 60 में ही ये ग्रेड दे देना है, तो आप क्या करोगे यहां पे बदल दोगे कि जी ए ग्रेड जो है वो 60 वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। प्रत्येक फार्मूला में आपको फार्मूला को एडिट करके यहाँ पे 50% करने का जरूरत नहीं होगा, हार्ड कोड यहाँ पे अभी हो जा रहा है, जैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 40, तो ठीक है यहाँ पे मैनुअली मैं 40 लिखूंगा, तो अगर ग्रेड में परिवर्तन करना होगा कि जैसे 40% वालों को मान लीजिए फेल कर देना है ऐसा आपको बताया गया, ठीक है, तो आप क्या सारे फार्मूला में परिवर्तन करोगे, क्योंकि आप तो सीधा इस फार्मूला को पकड़ के ऐसे खींच लोगे, ऐसे खींचोगे ना, लेकिन ऐसे खींचने के बाद तो फार्मूला उतने बार रिपीट हो जाएगा, तो आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे फार्मूला में, ठीक है। अब कौन है ये, ठीक है, तो फार्मूला में परिवर्तन नहीं कर पाओगे, इसलिए ये जो 40 वाला डेटा है वो कहीं इधर से उठा लिया करोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे मार्कशीट, और मार्कशीट से सारा डेटा उठाओगे और फिर उसको इधर एक प्रिंट करने का फॉर्म बनाओगे मार्कशीट, और उसमें सारा डेटा दिखा दोगे। आप बनाना, नहीं बनेगा तो बताना, ठीक। मैं अब इसको देख लूँ तब ना, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, नहीं बनेगा तो बताना, क्या करूँगा, बनाना पड़ेगा फिर मेरे को, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ फीस वगैरह ले रखा है, ठीक है, मैं मेरे पास समय का अत्यंत अभाव था, ठीक है, इसीलिए मैं कुछ फीस वगैरह का डेटा पहले से बना रखा हूँ, ठीक है। इसका फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बड़ा हो रहा है ये तो, ये देखिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नाम, क्या
क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिज्यूम नहीं किया हूँ क्या? किया हूँ भाई। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे नाम मैं डालूंगा, ठीक है, तो ये जितने बार फीस दिया है उन सभी का रिजल्ट यहाँ पे आया जाएगा। ये यहाँ पे नन की मार है, इस तरह से मैंने एरर फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो ये वी लुकअप की मदद से मैं किया हूँ, ठीक है। ये वी लुकअप से मैं कैसे किया हूँ कि सारा डेटा, वी लुकअप से तो एक ही डेटा आता है ना, मैं सारा डेटा यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं कैसे लाया हूँ आपके सामने पूरा कर दूं, या जो फार्मूला लगाया हूँ मैं एक्सप्लेन कर दूं खाली, या आपके सामने पूरा फार्मूला वगैरह लगाऊं? आपके सामने लगाऊं? यार मेरा मन नहीं कर रहा है। चलो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये पूरा मेरा डेटा है, ठीक है, ये डेटा है ना पूरा। तो इन सभी को एक यूनिक नाम देने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम मैं बना लिया हूँ, ठीक है। और फिर इनको, इसको सारा इधर पे काउंटिंग कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ काउंटिंग, आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाया हूँ, ठीक। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, डिलीट कर दिया, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले इक्वल टू का साइन दे रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए, सबसे पहले इक्वल टू का साइन दिया मैं, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं, भूल गया। सबसे पहले इक्वल टू का साइन दिया, फिर यहां पे आया, ठीक, यहां पे आया, ठीक है। और फिर मैं इसको क्या किया, फिक्स कर देता हूं, ठीक, फिक्स कर दिया। और इसके बाद मैं दिया कॉलन का साइन, ठीक। और फिर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूं नीचे, अच्छा पूरा ना करके, नहीं नहीं पूरा नहीं करूंगा मैं जी, ये देखिए यहां पे आ गया, ठीक है। मतलब यहां से लेकर के यहीं तक मैं सिलेक्ट किया रेंज, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, नहीं जी लेकिन ये तो मैं क्या बोलते हैं, कलेक्ट करूंगा पहले, ठीक है। इन सभी को मेरे को काउंटिंग करना है, ठीक है, काउंटिंग करूंगा फिर यहां पे जो है आएगा, ठीक है। कैसे काउंटिंग किया था, कंट्रोल जेड मारूंगा तो आएगा नहीं दोबारा, चलिए नो प्रॉब्लम, नहीं आएगा तो CO काउंट का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये देखिए काउंट, ठीक, काउंट इफ, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं काउंटिंग करना शुरू करूंगा, ठीक है, इसको कर देता हूं मैं फिक्स, ठीक। काउंट कहां तक करूं, यहीं तक काउंट करूं मैं, ठीक है, ये किया, ठीक है, फिर यहीं तक काउंट करूंगा मैं। क्राइटेरिया क्या होगा, कॉमा दूंगा, क्राइटेरिया मैं इसी को ले लूंगा, ठीक है, ब्रैकेट मार के एंटर कर दूंगा, ठीक। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ठीक है, ये तीन है, ये देखिए यहाँ तक सारा नाम जो है एक ही बार रिपीट हुआ है ना, लेकिन ये जो समुद्री है यहाँ पे एक बार है, फिर उसके बाद यहां पे एक बार और है, दो बार है ना। तो ये यहां पे इसलिए दो लिखा गया क्योंकि ये दूसरा बार यहां पे रिपीट हुआ है, ठीक। मैंने काउंट फंक्शन चलाया, सबसे पहले इस सेल को लिया, ठीक, काउंट करो यहां से कहां तक, तो यहीं तक इसी सेल तक काउंट करो, ठीक। क्राइटेरिया क्या होगा जी, यही वाला क्राइटेरिया यही होगा, ठीक। यहां पे मैं आऊंगा तो ये क्राइटेरिया है, कंडीशन किसको गिनती करना है, तो इसी को गिनती करो, ठीक। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको मैं लॉक कर दिया क्योंकि यहीं से हर बार गिनती करना है, लेकिन जब नीचे मैं खींचूंगा तो ये जो है C5 हो जाएगा। अब फिर इसको गिनती करना है यहां से लेकर के यहां तक, फिर जब यहां पर फॉर्मूला आएगा तो गिनती यहां से करना है यहां तक। और क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हमारा बदल जाया करेगा जब जब मैं पकड़ के खींचूंगा ये, ठीक। ये समझ में आ गया आपको,
प्रैक्टिकल करिएगा, आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि ये अजीब लग रहा है, ठीक है, एक दोबारा आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पकड़ के मैं जैसे खींच रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरा ये वाला फिक्स रह रहा है, लेकिन ये वाला और ये वाला बदलता जा रहा है, ठीक। ये देख लीजिए आप ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, बदल रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये और ये काउंट करेगा तो यहाँ पे गिनती दो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। अब इसी के पहले मैं क्या किया, होम पे आया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। मैं भी फॉर्मूला इसी तरह से लिखा था, बारी बारी से धीरे धीरे एक एक स्टेप्स काम करोगे आप तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप काम कर लोगे, ठीक है। मेरे को अगर आप कहते कि एक ही बार में पूरा फॉर्मूला टाइप कर दो जो फॉर्मूला से यहाँ लिखाया हुआ था, तो मैं एक ही बार में कैसे करता, नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता। लेकिन बारी बारी से मैं कर रहा हूं तो हो जाएगा मेरे से, ठीक है। तो ये काउंटिंग मैं पहले करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे को इस काउंट के पहले मेरे को नाम चाहिए, क्या कौन सा नाम चाहिए, यही नाम चाहिए, तो ये कर दूंगा, फिर कॉन्केटिनेट कर दूंगा, फिर डबल कोट करूंगा, फिर एक माइनस का साइन दे दूंगा, फिर ये करूंगा, फिर कॉन्केटिनेट कर दूंगा, ठीक हो गया। एंटर मार दिया मैं तो ये आ गया, ऐसे आ गया ना, इसको मैं डबल क्लिक करके कर दूंगा तो पूरा फिल हो गया, हो गया ऐसे। तो इस तरह से आप बना लोगे यूनिक, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो मेरा काम हो गया, आ जाऊंगा सर्च वाले में, ठीक है। इन सब को मैं डिलीट कर दूं, यहां तक मैं डिलीट कर दिया पूरा, ये यहां पे एक कॉलम मैंने हाइड कर रखा था, इसको ऐसे कर लेता हूं। ये क्या है जी, सिंपल एक दो तीन चार गिनती में लिखा हूं, ठीक। ये गिनती क्यों लिखा हूं जी, यहां भी तो एक दो तीन चार ही आएगा ना, तीसरा बार रिपीट होगा तो थ्री लिखा जाएगा, पहला बार समुद्री यहां थी, ठीक है, तो एक हो गया, दूसरा बार रिपीट हो रही थी तो दो आ गया ना, ठीक उसी तरह से यहां भी रिपीट होगा तो एक दो तीन चार आएगा, ठीक है। मैं कर दिया डिलीट, ठीक नहीं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब मैं यहां 15 तक क्यों लिया हूं, मैं अंदाजा लगाया हूं कि मैक्सिमम कितना बार एक स्टूडेंट फीस पेमेंट करेगा, तो मैक्सिमम 15 बार तक कर सकता है, ऐसा मुझे अंदाजा है। करने के लिए तो दो ही तीन हजार या पांच बार में पूरा फीस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि मैक्सिमम 15 बार से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने 15 ले लिया, ठीक। किसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। अब फिर मैं आता हूं यहां पे, ठीक। अब मैं यहां पे क्या किया हूं आप ध्यान से देखिए, वी लुकअप का फंक्शन चलाया हूं, यहां पे ये है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू मैं क्या किया हूं, यहां से उठाया हूं, फिर ये A4 है, ठीक। A4 में A है फिक्स, 4 फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि जो A4 है वो A वाला वैल्यू है, तो नीचे जब मैं खींचूंगा ना पकड़ के तो कॉलम जो है वो तो A ही रहेगा, A तो नहीं बदलेगा, इसलिए फिक्स किया हूं, लेकिन 4 जो है वो बदलेगा। यहां पे 4 है तो 4 होगा, यहां पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, रो जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने रो को फिक्स नहीं किया है। उसके बाद यह है लुकअप एरे टेबल, पूरा टेबल दे दिया। और फिर यहां पे आपको पहले मैं बताया था एक तो कॉलम फंक्शन, उस कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल किया हूं, ठीक। कॉलम फंक्शन में क्या किया हूं ये देख लीजिए, पहला क्या है ए से शुरू कर रहा हूं मैं, तो A3 को कर दिया हूं मैं फिक्स, फिर उसके बाद जो है यहां पे आ रहा है B3 को मैं फिक्स नहीं किया हूं, क्योंकि मैं पकड़ के खींचना चाह रहा था और इसको कर दिया हूं फाल्स। ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, आपके सामने लिखूं या समझ गए, चलो तो क्या कर सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही। और इन सब को मैं कर देता हूं डिलीट, ठीक। यहां पे मैं एक ठो कॉलम बना लिया हूं ऐसे ही अपने से, ठीक है। मैं नाम टाइप करूं और बाकी पूरा डिटेल्स आ जाए, नाम यहां पे टाइप करूंगा ना मैं, चलिए जी मैं यहां पे आता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल टू का साइन, वी लुकअप, टैब मारा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बोल रहा है लुकअप वैल्यू बताओ, तो लुकअप वैल्यू जानने से पहले मैं यहां पे आता हूं। यहां पे पहले क्या है, पहले नाम है, फिर 1 है या 2 है, जो भी है, ये देखिए 2 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 को कॉन्केटिनेट करूंगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू में मैं क्या करूंगा, ए या यहां पे आऊंगा, सेल एड्रेस ए ले लूंगा, ठीक ठीक है ना, यहां पे आऊंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, वी लुकअप करूंगा, पहले नाम में लिया था ना उसमें उस सीट में, तो यहां पे भी मैं पहले नाम ले लूंगा यहां से, ठीक। मैं पकड़ के खींचूंगा ना तो ये जो है आगे पीछे बढ़ जाएगा,
ठीक है, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ फिक्स कि ये ना बढ़े। ठीक, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ जी, कॉन्केटिनेट कर दूँ या हाइफन, क्यों, क्योंकि मैं उसमें भी कॉन्केटिनेट किया था, अब ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक, इसमें मैं क्या करूँगा जी, इसमें मैं कर दूंगा फिक्स, किसको, ई को मैं फिक्स कर दूंगा। आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम आउट किया हूँ, जूम इन करूँ, जूम इन तो अभी मैं कर भी नहीं सकता जी, अब तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा, ई को मैं कर दूंगा फिक्स। ठीक, फोर को फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि फोर तो ऊपर नीचे होगा ना, ए होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा जी, कॉमा दूंगा, फिर बोल रहा है टेबल एरे, मैं क्या करूंगा, आऊंगा यहां पे, ठीक, टेबल एरे से सारा टेबल जो है उठा लूंगा। ठीक, यहां पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा, ठीक है, ऐसे पूरा सेलेक्ट में कर लिया, आप नाम भी दे सकते हो टेबल का। ठीक है, फिर आ गया मैं यहां पे, ठीक, वेट, मैंने कुछ गलत कर दिया, टेबल एरे मांग रहा है, यहां पे आऊंगा, ठीक है, फिर यहां पे आऊंगा, सारा सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे। ठीक, यहां पे ही मैं आऊंगा, कॉमा दूंगा, बोल रहा है इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स कॉलम में यहां पे क्या दे दूंगा, मेरे को क्या चाहिए अभी, मेरे को तो याद ही नहीं है कि क्या चाहिए, मैं दो दे देता हूं, ठीक है, दो यहां पे दिया, फिर कॉमा दिया, बोल रहा हूं मैं एग्जैक्ट मैच, एंटर, सिक्स आ गया। कॉलम नंबर टू दिया था, हाँ ठीक, अंदाजा लगाया था, मेरा सीरियल नंबर है। अब टू में सीरियल नंबर यहां पर आ रहा है, क्यों आ रहा है जी, देख लो, ये पहला कॉलम गिन रहा है, इसको दूसरा गिन रहा है। अब सिक्स नंबर आ रहा है, तो वहां पे समुद्री लिखा था तो नंबर आ गया सिक्स। ठीक, अब मैं क्या चाह रहा हूं ना कि इसी को पकड़ के जो है खींच दूं तो क्या हो जाए, पूरा फिल हो जाए, खींच दूंगा तो हो जाएगा, देख लो जी, क्यों नहीं हुआ ये, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिलीट, ये जो इंडेक्स का था ना वो सही नहीं है। ठीक, इंडेक्स को डायनामिक लाना है हमें, ठीक है, और ये जो है ये क्या होगा, ये सारा फिक्स होगा। मैं फिर से पकड़ के खींच रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला में क्या हो रहा है। जब यहां पे आया, ये देखिए यहां पे क्या है, ए थ्री, यहां पे आता हूं तो ये बी थ्री हो जाता है, क्या मजाक है जी, तो ये भी फिक्स ही होना चाहिए। यहां पर मैं आऊंगा, क्या कर दूंगा जी, एफ फोर, फिक्स हो गया, यहां पे करके आके कर दूंगा F4, फिक्स हो गया। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो खींचूंगा तो ये देखिए आ रहा है, लेकिन सिक्स ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दो है यहां पे। अब इस दो को क्या करना है कि हमें डायनामिक लाना है। डायनामिक कैसे आएगा, कॉलम फंक्शन के मदद से। मैं कॉलम फंक्शन आपको बताया था ना पिछले सेशन में, नहीं बताया था, हाँ कॉलम फंक्शन बताया था ना आपको, शायद आप लोग भूल गए इसलिए सब लोग चुप हो, नहीं भूले, दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, ठीक, इसको मैं कर दूंगा यहां पे फिक्स, ठीक है, एंटर मार दिया, ये दो है, ठीक है, इसी को मैं, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक जो है मैं किया हूं, ठीक है, इसी को ना मैं यहां पे, चलो अच्छा छोड़ो, अब इसको यहां से मैं पकड़ के खींचूंगा ना इधर, तो क्या होगा जी, आ रहा है गिनती, क्यों आ रहा है, अबे देखिए इसको मैं फिक्स कर दिया हूं, मतलब यहां से फिक्स हो, यहां से यहां तक का कॉलम मैं गिना तो यहां पे आ गया दो, ठीक, C3, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही मैं आया तो यहाँ D3 गिनने लगा, यहां से लेके यहां तक को गिन रहा है, जैसे ही मैं यहां पे गिन रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक को गिन रहा है, तो इसीलिए गिनती हो रहा है। ठीक, क्लियर, क्लियर है नहीं है जी, मैं डिलीट करता हूं इन सबको, तो यहां पे मैं आऊंगा और यहां इंडेक्स वाले पे लगाऊंगा कॉलम का फंक्शन। ठीक, कॉलम टैब मारा, कहां कहां से मैं लूंगा, ये कॉलम को भी मैं गिनूंगा ऐसे, ठीक, कर दिया, इसको मैं क्या कर दूंगा फिक्स, कर दिया एंटर, ओ ब्रैकेट नहीं बंद किया हूं मैं इसलिए,
कॉलम का, ये कर दिया ऐसे, एंटर मार दिया तो ये आ गया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पकड़ के खींचूंगा ऐसे, आ रहा है ना, ये देखिए आ गया यहाँ तक, जीरो जीरो आ रहा है, कुछ है नहीं उसमें, इसलिए तो इसीलिए इस तरह से आप बना लोगे इसको ऐसे, ठीक। फंक्शन तो समझ में आया होगा, मैं ये ऐसा प्रैक्टिकल आपको पहले भी शायद कराया हूं, आ गया समझ में, नहीं आया है आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, ना समझ में आया तो फिर पूछिएगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसी को नीचे पकड़ूंगा, खींचूंगा ऐसे, ठीक है, और इसको पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो आ गया ऐसा, ठीक, आ रहा है ना। चलिए जी मैं यहां पे आता हूं और इसको मैं कर देता हूं, नहीं नहीं इसको मैं करता हूं कॉपी, ठीक है, यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट, यहां पे आके वी करके मारा एंटर। अब देखते हैं, ये भी दो बार फीस पेमेंट, इन्होंने दो बार फीस पेमेंट किया है तो दो आ गया, ठीक। फिर इसको मैं डिलीट करता हूं, फिर यहां पे आता हूं, इसका देखता हूं इसने कितने बार फीस पेमेंट किया है, टोटल फीस कितना पेमेंट किया है जी, वी किया तो इन्होंने सिर्फ एक ही बार फीस पेमेंट किया है, ये देख लीजिए इतना अमाउंट, ठीक है, तो आ गया। अब यहां पे एरर आ रहा है तो इसका क्या करें जी, इफ एरर फंक्शन लगा दो तो ये खत्म हो जाएगा, लगा के दिखा दूं या आप लोग लगा लोगे, डिलीट डिलीट, ठीक। अब मैं यहां पे आता हूं और इफ एरर फंक्शन लगा देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, इफ एरर, अगर एरर, ये देखिए इफ एरर हो गया, यहां पे वैल्यू ये है, ठीक है, आता हूं मैं यहां पे, ठीक है, अगर इफ एरर इसमें है तो क्या होना चाहिए जी, इफ एरर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा जी, डबल कोट दे के कर दूंगा ऐसे, मार दूं एंटर, काम करेगा, आप लोगों को क्या लगता है, काम करना चाहिए, हाँ ना, कुछ बोलो, हाँ सर, ओ आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट लोग हो यार। चलो जी लगा दिया, चलो कुछ तो याद है फॉर्मूलेज, क्यों 13-15 तक खींचता हूँ इसको पकड़ के, 14-15, ठीक 15 तक आ गया, ये देख लीजिए एरर फंक्शन लगा दिया तो एरर को गायब कर दिया वो, ठीक है। अब मैं क्या इसी को फिर से सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ठीक है, अब देखिए इसने दो बार, इन्होंने पेमेंट किया था तो दो बार आ गया, ठीक। तो इस तरह से जो है आप डेटा निकाल लोगे, क्लियर है आप लोगों को, नहीं है, निकल जाएगा इस तरह से डेटा, ठीक। अब आप चाहो तो टेबल के फॉर्म में कर दो इसको या मत करो, ठीक है। दूसरा चीज इसको प्रिंट कर भी करना होगा आपको, तो ये देखिए ऐसा आ रहा है, क्या करो ना इसको कर दो ऐसे हाइड, इस तरह से हाइड फंक्शन, हाइड जब करते हो तो वो भी ऐसे ही करता है, ठीक है, हाइड कर दिया मैं उसको, और इसको क्या करो जी, इसको यहां तक ले लाओ, एक कोर्स जो है ये इतना बड़ा तो होगा नहीं जी, इसको इतना कर लो, अमाउंट को भी थोड़ा छोटा कर लो जी ऐसे, ठीक है। आप लोग को मैं बोला था कि आप लोग जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला फीस डिटेल है ना, ये तो यहाँ पे पूरा फीस का डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा आएगा कहाँ से, तो जिस तरह से आप एडमिशन का फॉर्म ऐसा बनाए थे कि इसमें क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट लिस्ट में सेव होता जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसा स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म बनाए हो वैसा ही इस फीस डिटेल्स वाले में, डिटेल्स के लिए आप एक ठो फीस को लेने के लिए फॉर्म बनाओगे, राइट, बनाओगे ना, फीस लेना है तो उसके लिए एक ठो आप फॉर्म बना लोगे, ठीक है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फीस जैसे आप ले रहे हो तो शब्दों में भी लिखना पड़ता है ना, तो एक्सेल के पास अभी शायद ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे कि वो करे, तो हम क्या करेंगे जी, यूजर डिफाइन फंक्शन जो है बना लेंगे, ठीक। यूजर डिफाइन फंक्शन आप लोग समझते हो, और प्री डिफाइन फंक्शन दो तरह के होते हैं, मैं भूल गया था, होगा शायद बताना, मैं दो तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है, एक यूजर डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड, दोनों में अंतर क्या है,
यूजर डिफाइन का मतलब कि आप यूजर हैं, आप जो खुद से बनाए फंक्शन, ठीक है, वो कहलाएगा यूजर डिफाइन। और जो फंक्शन पहले से बना बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बना करके एक्सेल में पहले से दे रखा है, वो कहलाएगा प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर है ना सबको? नहीं है क्लियर? है क्लियर? नहीं क्लियर है? यहाँ पे परेशानी किधर है जरा बताना? सब में परेशानी है? एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग, ठीक। ये फंक्शंस वगैरह है जो फॉर्मूला मैं लगाया हूँ वो आपके सामने है, ठीक है, तो आप करके एक बार देखना, ठीक है। और जो मैंने फॉर्म बोला था मार्कशीट वगैरह के लिए और इसके लिए बनाना, ठीक है, ठीक। तो समय का मेरे पास अत्यंत अभाव है, ठीक है, इसीलिए मैं एक्सेल को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। पर आपको यहाँ से एक्सेल का शुरुआत करना है, ठीक है। कहीं पे मैंने एक्सेल का प्री डिफाइन फॉर्मूला या फंक्शंस का इस्तेमाल किया, ठीक है, कहीं पे मैं जुगाड़ लगाया, ठीक है, कहीं पे मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया अपने काम करने के लिए, कहीं पे मैंने जुगाड़ लगाया, तो ठीक इसी तरह से आप भी कहीं पे फंक्शन का इस्तेमाल करो, कहीं पे जुगाड़ लगाओ, जैसे काम बने कर लो, ठीक। आपको खुद से सीखने का अब से अभ्यास शुरू करना चाहिए, ठीक। आपको कदम कदम पे समस्याएं आएंगे, ठीक है, हर वक्त मैं आपके सामने समस्या सॉल्व करने के लिए नहीं रहूंगा, हर वक्त समस्या सॉल्व करने के लिए मैं नहीं रहूंगा, रहेगा तो मेरा सिर्फ विचारधाराएं ही रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आप लोग जो है सीखना, ठीक है। साइंस कभी खत्म नहीं होता, साइंस पे रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट खत्म हो जाता है, ठीक, इसीलिए सीखने का प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। इंसान हो या हथियार, काम तभी करता है जब तक कि जंग ना लगा हो, इसलिए आप हमेशा सीखते रहना, ठीक। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख के ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, लेकिन आप सब लोग मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं आता और आपको अभी और सीखना है, यही बात याद रखना हमेशा, ठीक, ठीक है। मैं यहीं से खत्म करता हूं अब, ठीक है। बाकी आप लोग और जो है जरूरत के हिसाब से काम करना सीख लेना, ठीक है, कुछ दिक्कत आए तो बताना, ठीक। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं अभी। चलिए जी, ये बोल रहा है चेंज सेव, मैंने सेव कर दिया इसको, सब कुछ बंद कर दूंगा अब मैं, ठीक है। नहीं नहीं, इसको नहीं बंद करूंगा, पहले इसको बंद करूंगा।